तो डियर, हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स में आगे अब बढ़ेंगे और जानेंगे कंसोर्टियम। कंसोर्टियम क्या है? ये जो टर्म है कंसोर्टियम, ये ग्रुप मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल, दो या दो से अधिक कंपनीज हो या इंडिविजुअल्स, कोई व्यक्ति हो तो उसको मिलाकर बनता है, या गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट को मिलाकर बनता है, डैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक ऐसा काम करना जिसमें एक कॉमन उद्देश्य जो है होना चाहिए, एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और उससे में दो व्यक्ति या दो कंपनी या दो गवर्नमेंट मिलकर जो है काम करता है, उसको जो है कंसोर्टियम जो है कहा जाता है। कंसोर्टियम आर ऑफन फाउंड इन द नॉन प्रॉफिट सेक्टर। नॉन प्रॉफिट सेक्टर में जो है जनरली ये पाया जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। जैसे मान लो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अगर एजुकेशन फील्ड में कोई ऐसा काम करता है जिससे जो है दोनों का जो मेन उद्देश्य होता है कि जो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वेल मैनेज्ड जो है कॉलेज मिले और बेहतर जो है प्लेसमेंट मिले, ताकि उनका जो है फ्यूचर जो है सेफ रह सके, तो उस कंडीशन में जो है उसको कंसोर्टियम जो है कहेंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट आर लाइक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जो कि ओरल और रिटन एग्रीमेंट होते हैं, या तो मुंह से सिर्फ बोला हुआ या फिर लिखित एग्रीमेंट होता है, बिटवीन टू और मोर पार्टीज डैट आर लीगली बाइंडिंग बट विद द एडेड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंपीटिंग प्रायोरिटीज सच एज फाइनेंशियल टारगेट्स, सपोर्ट कैपेबिलिटीज एंड डिलीवरी शेड्यूल्स। ये सभी जो मतलब एक मतलब वैसी चीज़ें उसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए उस एग्रीमेंट में, जो एक कॉम्प्लेक्सिटी को जो है शो करता हो, दिखाता हो, है ना, तो उसको जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स की बात किया जाए तो कई सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, पार्टीज हु आर लीगली अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल सब्जेक्ट मैटर, म्यूचुअलिटी ऑफ एग्रीमेंट, कंसिडरेशन ऑफ वैल्यू, म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस, रिटेन फॉर्मेट्स। तो ये सभी जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स का जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है तो इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखा जाता है। टेंडर और प्रपोजल। अ टेंडर इज अ ऑफर। टेंडर जो है एक ऑफर होता है इन रिटेन फॉर एग्जीक्यूटिंग सर्टेन स्पेसिफाइड वर्क और सप्लाई स्पेसिफाइड मटेरियल्स, है ना। एक स्पेसिफाइड मटेरियल्स या स्पेसिफिक वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिटेन ऑफर दिया जाता है उसको जो है टेंडर कहा जाता है। सब्जेक्टेड टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन भी जो है इसमें अप्लाई होते हैं, लाइक रेट, टाइम लिमिट, स्पेसिफिकेशन, है ना, क्या रेट होना चाहिए, कितना टाइम में जो है वर्क को कंप्लीट करना है, एंड कुछ लिमिट्स भी होते हैं और कुछ स्पेसिफिकेशंस भी जो है आपके यहाँ पे होते हैं। रिक्विजाइट्स ऑफ ए वैलिड टेंडर। एक वैलिड टेंडर्स का क्या कंडीशन होना चाहिए? तो अनकंडीशनलिटी, एट ए प्रॉपर प्लेस, एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, कन्फर्मिंग द टर्म्स ऑफ ऑब्लिगेशन बाई अ पर्सन हु इज एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस, ऑफर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शंस फॉर फुल अमाउंट। ये सभी चीज़ें जो है रिक्विजाइट्स आपके जो है वैलिड टेंडर के होते हैं। रिक्विजाइट का मतलब होता है आपका ज़रूरत, है ना, क्या क्या कौन कौन से वैलिड टेंडर के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है उसके बारे में जो है यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद बात करते हैं वीड। वीड अ फॉर्मल प्रपोजल टू डिलीवर गुड्स और सर्विस एट ए स्पेसिफाइड प्राइस एज वेल डिस्क्राइबिंग दैट द टेंडर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट विल बी मीट, है ना, विल बी मीट। तो उसको जो है वीड
कहा जाता, मतलब एक वैसा प्रपोजल, फॉर्मल प्रपोजल जिसमें कोई गुड्स या सर्विस को जो है एक स्पेसिफाइड प्राइस में, मान लो कि 10 रुपये के हम देंगे तो 10 रुपये में आपको जो प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने वीड प्रपोजल आपने लिया है ना, वो जो प्रपोजल मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए भी जो है टेंडर को पूरा करना भी चाहिए। वीड इवैल्यूएशन, वीड इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द टेंडर सबमिशन डेडलाइन, है ना। टेंडर सबमिशन का जो डेडलाइन है उसको सबमिट हो जाने के बाद जो इवैल्यूएशंस करते हैं कि भाई किसको जो है एक्सेप्ट करना है, किसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो वो जो है वीड इवैल्यूएशन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स द ओपनिंग एंड एग्जामिनिंग ऑफ वीड्स टू आइडेंटिफाई द प्रीफर्ड सप्लायर फॉर द प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के लिए किस सप्लायर को जो हम प्रीफर करेंगे उसको आइडेंटिफाई करना, वो ही वीड इवेल्यूएशन कहलाता है। नेगोशिएशन में देन बी इंटर्ड इन टू विद वन और मोर सप्लायर एंड द सक्सेसफुल सप्लायर अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। यहाँ पे जो है ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगर मान लो कि कुछ नेगोशिएशन करना है कि नहीं हम 10 लाख में नहीं कर सकते हैं, 2 लाख में कर सकते हैं, तो इस तरीके से नेगोशिएशन भी होता है और जो सप्लायर जो है उस चीज़ को मान जाता है उसके जो है कॉन्ट्रैक्ट उसको जो है दे दिया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेंडर, टेंडर कई तरीके के होते हैं जिसमें सबसे पहला टेंडर है ओपन टेंडर। ओपन टेंडर क्या होता है कि एन ओरल टॉक और रिटन डॉक्यूमेंट, ओरली या तो बोला जाता है या लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जो है दिया जाता है बिटवीन इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर फॉर सर्टेन स्मॉल जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड, समटाइम्स इट इज एडवर्टाइज्ड, है ना। कई बार जो है एडवर्टीजमेंट की मदद से भी जो है इसको दिया जाता है जो ओपन टेंडर होता है उसको। उसके बाद आता है सील्ड टेंडर, इनवाइटेड फॉर इम्पॉर्टेंट और ह्यूज प्रोजेक्ट्स वाइड पब्लिसिटी और इज गिवेन ऑलवेज रिटेन डॉक्यूमेंट्स आर मेड। इसमें हमेशा जो है जो सील्ड टेंडर्स होते हैं इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स के लिए जिसको भी इन्वाइट करना रहता है ये पब्लिकली अनाउंस तो किए जाते हैं लेकिन हमेशा रिटेन फॉर्म में होता है और डॉक्यूमेंटेड होता है। उसके बाद आता है लिमिटेड टेंडर, Only a selected number of contractors are invited to quote their rates, है ना। कुछ selected contractors को ही जो है invite किया जाता है कि आप जो है अपना बोली लगाइए कि आप कितना में जो है आप काम करेंगे। Single tender, invitation is given to only one firm to render a service by quoting their rates, है ना। मतलब सिर्फ किसी एक ही firm को या एक company को और जो है सिर्फ जो है बुलाया जाता है ताकि आप जो है टेंडर लीजिए। जब मोनोपोली हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है सिंगल टेंडर देखने को मिलता है। उसके बाद आता है रेट कॉन्ट्रैक्ट, यूजुअली अडॉप्टेड फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स मशीन्स टूल्स एंड प्लांट्स एक्सेट्रा के लिए जो है रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है किया जाता है। ये भी एक तरीके का टेंडर ही आपका होता है। उसके बाद बात करेंगे जनरल स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला एक्सटेंट ऑफ वर्क, दिस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर द मैन्युफैक्चरर सप्लाई डिलीवरी इरेक्शंस ऑफ ऑल मटेरियल्स एंड फिनिशिंग इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑफ ऑल वर्क्स रिक्वायर्ड इन कनेक्शंस विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक और वर्क, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं उसमें जो भी हमें मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है ना, जो भी सुधार की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करवाया जाता है जो भी रिस्पेक्टिव वर्क्स के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं उन सभी को। उसके बाद आता है लिमिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स शैल बी डीम्ड to be completed when they have such successfully withstood one whole rainy seasons and not less than 12 months after the work enumerated under item। मतलब जो भी work हम लोग करते हैं तो उसमें जो है जो rainy seasons होता है उसको
खत्म करके बाकी जो है बचा जो रिमेनिंग मंथ्स होते हैं उसको जो है टाइम के तौर पे जो है इवेल्युएट किया जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क में जब भी काम किया जाता है तो जो रेनी सीजन्स होते हैं उस दौरान कोई भी काम नहीं किया जाता है, है ना। चाहे ब्रिज बनाना हो गया या चाहे आप रोड बनाना हो गया, कुछ भी आप बना रहे हो तो जो रेनी सीजन्स होते हैं उसको एक्सक्लूड करके जो है कंप्लीशन टाइम को जो है लिया जाता है, एक्सपेक्टेड मांगा जाता है कि भाई कितना टाइम में जो है आप करेंगे। तो ये लिमिट ऑफ जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक लिमिट हो जाता है कि भाई आपको जो है 12 महीने में जो रेनी सीजन्स है उसको पूरा का पूरा जो है नेगलेक्ट करके आपको चलना पड़ता है, उस दौरान आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। जनरल अरेंजमेंट्स, द कॉन्ट्रैक्टर शैल प्रोवाइड ऑल लेबर्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शंस ऑफ बेंचमार्क्स एंड लेवल पेग्स एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू सी आउट द वर्क, है ना। काम को करने के लिए एक जनरल रिक्वायरमेंट की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें अगर काम को हमें सही बनाना है तो बेंचमार्क सेट करना और लेवल पेग्स को सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं सेट करेंगे तो कैसे वर्क हो रहा है, कितना वर्क हुआ, कितना हमें जो है और वर्क करना है, इन सभी पे जो है हमें प्रॉपर जो है ख्याल नहीं रह पाएगा और उसका जो है प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चौथा है री इन स्टेटमेंट ऑफ रोड्स प्रोविजंस ऑफ टेम्पररी ब्रिजेज, द कॉन्ट्रैक्टर शैल इंक्लूड इन हिज रेट्स ऑल वर्क्स रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द डाइवर्जन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट रोड्स डिस्टर्ब्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क बाय द इंटायर सेटिस्फैक्शन ऑफ इंजीनियर इंचार्ज, है ना। इंजीनियर इंचार्ज जो कंस्ट्रक्शन वर्क के हैं उनके सेटिस्फैक्शन के अनुसार वो पब्लिक रोड और प्राइवेट रोड्स को जो है डाइवर्ज करते हैं जब वो कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं तब। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्क, है ना, अरेंजमेंट ऑफ वर्क, द कॉन्ट्रैक्टर विल प्रोवाइड सच पेग्स और प्लेट्स एंड गिव सच असिस्टेंस इन चेकिंग द सेटिंग आउट ऑफ द वर्क एज मे बी रिक्वायर्ड बाई द इंजीनियर इंचार्ज बोथ बिफोर एंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क, जो भी वर्क किया जा रहा है उसके प्रोसेस के दौरान और प्रोसेस करने से पहले जो है प्रॉपर वर्क को जो है चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है इंजीनियर इंचार्ज के द्वारा कि जिस लोकेशंस पे दिया गया था भाई हमें बनाकर एक शेड्यूल कि हाँ भाई आपको यहाँ पे जो है वर्क करना है तो क्या उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आता है एक इरेक्शंस और चेकिंग ऑफ वर्किंग एज ईच पार्ट ऑफ कलेक्शंस ऑफ मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड इट विल बी चेक्ड ओवर बाई द इंजीनियरिंग चार्ज एंड हिज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जो भी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो भी इंजीनियर इंचार्ज हैं, जैसे ही काम पूरा कंप्लीट हो गया तो उसको जो है चेक किया जाता है ताकि जो है पता लग सके कि हाँ जो वर्क के लिए हमने जो है पैसा दिया है वो वर्क हमारा जो है कंप्लीट हुआ है और जितना पैसा लगना चाहिए उतना पैसा ही जो है लगा है, उससे ज़्यादा जो है आपका पैसा यहाँ पे नहीं लगा है। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जो भी अपडेट्स हो आपको जो है और भी दिए जाएंगे। आज का वीडियोस आपको कैसा लगा मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो अभी 2-3 और पॉइंट्स है जिसे हम लोग यहाँ पे लास्टली ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है इस वीडियोज़ को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है टेस्ट, ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल कैरी आउट सच टेस्ट इन द ओपिनियन ऑफ इंजीनियर इंचार्ज, है ना। इंजीनियर इंचार्ज बोलेगा कि भाई इसको जो है आप टेस्ट करके देखो कि सारा काम किया गया है या फिर नहीं किया गया। मान लो कई बार जो है आपका वर्किंग कंडीशन चल रहा है उस दौरान भी जो है इंजीनियर इंचार्ज जो है बोल सकता है कि भाई बताओ कि कौन कौन सा टेस्ट किए हो, सॉयल पे टेस्ट किए हो कि नहीं किए हो, कंक्रीट का टेस्ट किए हो कि नहीं, यानी कि पता चला कि सॉयल और ये वगैरह का टेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे जो है आपका जब बनकर तैयार हुआ तो वो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहा है, जितना दिन चलना चाहिए उतना दिन चल ही नहीं पाया, तो
तो फिर तो दिक्कत है ना। तो इन सभी चीजों को, इन सभी पॉइंट्स को जो है ध्यान रखना पड़ता है और सोच समझ कर जो है सारे टेस्ट वगैरह को जो है करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटेल्ड ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग फॉर द वर्क टू बी एग्जीक्यूटिव शैल बी सप्लाइड टू द कॉन्ट्रैक्टर एट द टाइम ऑफ वर्क। वर्क करने के टाइम में कॉन्ट्रैक्टर जो है एक डिटेल ड्राइंग भी जो है प्रोवाइड करता है। डेट ऑफ कंप्लीशंस, द डेट ऑफ कंप्लीशन शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर टू स्टार्ट एज डिटेल्ड अंडर शेड्यूल। मतलब कितना दिन में आप जो है काम को खत्म करेंगे, उसके लिए जो है आपको इन सभी को जो है ध्यान रखना है और समझना है कि हाँ आपने जो वर्क किया है वो सही से किया है कि नहीं किया है, कितने दिन में आपने बोला था और कितने दिन में जो है आप काम को खत्म कर रहे हैं। इन सभी चीजों को जो है ध्यान रखना पड़ता है। ओके, पेमेंट ऑफ वर्क, जैसे ही काम जो है पूरा हो गया और उसके बाद जो है आपका देखा जाता है कि हाँ भाई काम जो है पूरा हो गया है, तो उसके अनुसार जो है पेमेंट दिया जाता है और चेक किया जाता है कि भाई जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी क्या सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर फुलफिल हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर तो दिक्कत है। तो आप लोग यहीं पे आज के लिए, और इसको जो है अपने खुद का नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि खुद का नोट्स बनाएंगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है।